नमस्कार सर श्रीकाल असल में एक बार फिर स्वागत करते हैं मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त हम है, हमें कुमरार में है अंतर्ज्योति बालिका विद्यालय नितिन बालिकाओं के लिए निःशुल्क आवासीय विद्यालय हम इस विद्यालय में आए हैं क्या नाम हो सर आपका मेरा नाम विजय कुमार सिंह है और मैं संस्था के जनरल सेक्रेटरी हूँ और संस्थापक सदस्य भी हूँ ये विद्यालय दो बच्चियों से शुरू हुआ था मात्र दो बच्ची इस संस्था का गठन तो उन्नीस सौ अस्सी इक्यासी में हुआ था बिहार नेताहीन परिषद और ये जो विद्यालय है बिहार नेत्रहीन परिषद का प्रोजेक्ट और रजिस्टर्ड बॉडी है बिहार नेत्रहीन परिषद बिहार सरकार से कोई सहयोग बिहार सरकार से सहयोग हमको 2008-9 तक मिला था उसके बाद जब भी, भी हम जब बिहार सरकार के यहाँ अप्लाई करते हैं बिहार सरकार के थ्रू केंद्र तक जाता है बिहार सरकार का कोई राइट नहीं है ऐसे संस्थाओं को मदद करने का केंद्र में संचिका जाती है वहाँ से अच्छी मदद मिलती है लेकिन हमारी संचिका 2008 के बाद आज तक नहीं गई क्योंकि अगर मुझे पैसे अगर मान लीजिए कि 50 लाख रुपए या 40 लाख रुपए हमको देंगे तो उसके पीछे 15 लाख रुपये हम खर्च करें तब संचिका वहाँ तक पहुँचेगी जो कि मेरे लिए नामुमकिन है ऐसा मैं पसंद नहीं करता हूँ इसकी आलोचना करता हूँ खर्च कहाँ करना पड़ेगा सर ये खर्च तो बाबुओं के टेबल पे करना पड़ेगा अच्छा मतलब तो बाबू को चाहिए पहले हाँ, बाबू को पहले चाहिए बाबू को, को पहले चाहिए बहुत बढ़िया से चाहिए तब संचिका हमारे आगे जाएगी और तब वो पैसे मुझे मिलेंगे नितिन बच्चियों के बीच में आप रहते हुए काम करने का कैसा महसूस होता है देखिए मैंने चूंकि मैं स्वयं ही दृष्टि बाधित हूँ दिव्यांग हूँ और हमने जब पढ़ाई शुरू की थी तो मेरी एक कल्पना थी कि भाई हम बिहार में दृष्टिबाधित तो बच्चे बच्चियों के लिए कुछ करें हमारी नेशनल संस्था ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्लैंड डेढ़ ही है तो हम उस वक्त में उनसे सेक्रेटरी जनरल हमारे मिस्टर कॉल हैं उनसे पूछते तो कहते थे तो अभी तेरी उम्र नहीं है अभी आप शुरू मत करो और मैंने महसूस किया कि बिहार और झारखंड में ब्लाइंड बच्चों के लिए तो कई स्कूल हैं लेकिन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कोई विद्यालय नहीं था आज भी नहीं है तो यही सोच करके हमने दृष्टिबाधित बाधित बच्चियों के लिए यहाँ से शुरुआत किया जो आप लोग के सामने है कठिनाइयाँ तो आती होगी सर बहुत बहुत कठिनाई आती मुझे वो दिन भी याद है जब मैं दस रुपये चंदा मांगता था लोगों को लोगों से लोग समझते थे पैसे जाएंगे कहाँ लेकिन आज हमारा खर्च लाखों में है और लगभग एक करोड़ से ऊपर हमारा वो सालाना बजट है लेकिन फिर भी पैसे की दिक्कत नहीं होती पैसे आ जाते हैं लोगों को विश्वास है कि पैसे सही है जगह पे जा रहे हैं इसलिए देने में लोग हिचकते नहीं काम करने में अच्छा लगता हाँ बहुत बहुत आई एम वेरी हैप्पी हम अपने काम से बहुत संतुष्ट हैं बहुत खुश हैं और हम पटना के निवासियों को बधाई देना चाहते हैं कि उनके बदौलत ही ये विद्यालय चल रहा है बहुत बहुत धन्यवाद सर सर ये थे जनरल सेक्रेटरी और बिल्कुल सपाट बात बोले हैं कि अगर सरकार गवर्नमेंट से अगर हमें फंड अगर आती है तो उन बाबुओं के पास भी जाना है हाँ बाबू लोग तो यहाँ तो बहुत लोग हैं ना बगैर बाबू को दिए हुए कोई काम होता नहीं है तमाम चीज़ों से अवगत मैंने हुआ है बच्चियों को दाद देनी पड़ेगी नेत्रहीन होने के बावजूद आ, जिस तरह का अपने कार्य कर रही है उसको मैं भी सलाम करता हूँ ऐसे ट्यूब आप देखते रहिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हम आपसे विदा लेते हैं अंदाज ने उत्साह के साथ में जय हिंद